आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे दिन भर में परमेश्वर ने हमें संभाला। सुंदर शाम परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 55:22 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमेन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर संभाला प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक मुसीबत से, हर एक शैतान की युक्तियों से, हर एक गड़बड़ियों से परमेश्वर आपने हमें बचाया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आप महान है परमेश्वर, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है पिता। आपका प्रेम अगापे है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप प्रभु मार्ग सत्य और जीवन है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर। प्रभु हर एक को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं परमेश्वर, हर एक पर आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, हर एक को आप हिफाजत से रखें, प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु आज बड़े चिंतित रहे प्रभु और उनके मन में बहुत सारे बोझ हैं परमेश्वर पिता, हम हर एक के बोझ को मेरे यीशु मसीह आपके ऊपर डाल देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हर एक को प्रभु आप प्रभु जी विश्राम दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे खुदावन प्रभु यदि कोई भी प्रभु अपने प्रभु बच्चों की शादी कराने के लिए प्रभु चिंतित है और उनके मन में बहुत सारा बोझ है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे हम करेंगे, यीशु मसीह आप उनके बोझ को ले लीजिए, आप उनकी चिंताओं को ले लीजिए और पिता परमेश्वर उनकी चिंताओं से उन्हें बाहर निकाले प्रभु और उनके लिए उनके मनोरथों को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। यदि कोई अपने कारोबार के लिए चिंतित है प्रभु जी, यीशु मसीह उस बोझ को भी प्रभु हम आप पर रखते हैं यीशु मसीह की, उस बोझ को आप उनके लिए उठाएं प्रभु, उनके कारोबार को आप बढ़ाएं प्रभु, उनकी कमाई पर आशीष आप दे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन यदि कोई भी प्रभु जी अपने घर परिवार को लेकर प्रभु उनके मन में बहुत सारा बोझ है और वो चिंतित है, परेशान है घर के लड़ाई झगड़ों से और परमेश्वर अपने जीवन से प्रभु बहुत परेशान है, यीशु मसीह हम आप से प्रार्थना करते हैं ये बोझ यीशु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, कि आप उन परिवारों को प्रभु इन कलेशों से बाहर निकालें, इन मुश्किलों से बाहर निकालें, प्रतिदिन के लड़ाई झगड़ों से बाहर निकालें, मारपीट से बाहर निकालें प्रभु, उनके जीवनों को आप सवारे प्रभु, आप बनाए प्रभु, क्योंकि आप प्रभु कभी भी धर्मी को टलने नहीं देते हैं परमेश्वर, किसी को भी आप प्रभु हानि नहीं होने देते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें संभाले प्रभु। आप प्रभु आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं परमेश्वर प्रभु। यदि किसी का भी हृदय बहुत ज़्यादा दुखी है प्रभु परमेश्वर, वो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, यीशु मसीह आप उनके समीप होइए प्रभु, आप उनके बोझ को ले लीजिए, आप उन्हें संभाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर में भी जितने भी लोग प्रभु आज दिन भर के टेंशन में, बोझ में, फ्रस्ट्रेशन में, परेशानियों में रहे हैं, उन सब के बोझ को हम यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यदि कोई अपने बच्चों की फ्यूचर के टेंशन में उन बोझ को लिए हुए है प्रभु, यदि कोई प्रभु अपने भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु, यदि कोई प्रभु अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित है, कोई अपनी बीमारी को लेकर चिंतित है प्रभु और पिता परमेश्वर, कोई प्रभु अपने कर्जे को लेकर चिंतित है प्रभु जी, और कई प्रभु अपने अच्छी जॉब मिलने के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके इन सारे बोझ को प्रभु जी ले लीजिए, आप उन्हें प्रभु इस बोझ से प्रभु उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर, आप उन्हें संभाले प्रभु जी। प्यारे खुदावन हम आपसे दुआ कर